नमस्कार, मैं मुस्कान, आप देख रहे हैं न्यूज विंग टीवी। मंसूरेन को ईडी ने कल गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही ईडी जो है बीते दिन सीएम आवास पहुंचकर 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री को हिरासत में ईडी अधिकारियों ने ले लिया। और उसके बाद जो है हिरासत में लेने से पहले उनको सीएम हेमंत सोरेन जो है वो राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और उसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और आज ईडी अधिकारी जो है हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट में लाएगी और ईडी कोर्ट के बाहर का आप नजारा देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूँ तो पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, प्रशासन का पूरा पुख्ता व्यवस्था किया गया है और उसके साथ ही पत्रकार भी जो है पत्रकारों की भी कतार लगी हुई है। और अभी कुछ ही क्षण में जो है हेमंत सोरेन यहां पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो है बीते कल की बात करूं तो हेमंत सोरेन को जो है ईडी ने अपने पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय ले गए रात में और उसके बाद कुछ ही क्षण के बाद वहां पे सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन अपने बेटे के साथ भी वहां पहुंची और उसके बाद जो है आज ईडी के अधिकारियों द्वारा हेमंत सोरेन को यहां सीजीएम कोर्ट में लाया जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो पूर्व सीएम का ये कहना था कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, जैसा कि 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा नहीं हो पाया। और इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं, मैं विजुअल के माध्यम से अभी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे ठंड का माहौल है लेकिन ठंड के माहौल में भी यहाँ कितनी गर्मी है, जैसे कि राजनीति हलचल मची हुई है। और साथ ही साथ अभी जो मामला चल रहा है उसको लेकर सीएम मामले में, जैसा कि ईडी की दबिश अभी झारखंड में काफ़ी तेज़ बनी हुई है और उसके साथ ही और इससे पहले भी हेमंत सोरेन के कई प्रेस सलाहकार के घर पे भी ईडी ने छापा मारा था, जिसको लेकर कुछ ना कुछ ईडी ने खंगाला। और उसके बाद जो है ईडी जो है अभी कड़ी एक्शन में, और आपको ये भी मैं बताऊंगी कि ईडी अब कुछ ही क्षण में यहाँ पे हेमंत सोरेन को लेकर यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद जो है ईडी जो है यहाँ पे गुहार लगाएंगे हेमंत सोरेन को रिमांड में लेने के लिए। अब कुछ ही देर में जो है हेमंत सोरेन को ईडी अधिकारी यहाँ पर लाएंगे, ईडी कोर्ट लाएंगे और उसके बाद जो है ईडी कोर्ट अब कुछ ही देर में जो है हेमंत सोरेन यहाँ पे ईडी अधिकारियों के साथ मौजूद हो जाएंगे और उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। और उसके लिए बने रहे न्यूज विंग टीवी के साथ, सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 परमार सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।